ये गज़ल लिखी है मरहूम आमिर खान जी साहब की, जो ऑल इंडिया रेडियो में डायरेक्टर थे, लेकिन मौसीकी और शायरी के आला जौहरी थे, जिन्होंने ये गज़ल 1978 में लिखी और हमने इसको पेश किया था। जब से अब तक शायद ही ऐसी कोई महफिल हो जो इसके बगैर ख़त्म हुई हो। ये गज़ल अगर मौसीकी के हिसाब से इसको साथ से आप देखें तो ये राग मध्यम भैरवी है, लेकिन मध्यम को अगर आप सामान लेते हैं तो ये दरबारी बन जाता है। इसे मूर्छना पद्धति कहते हैं। इसी में हमने हारमोनी सिस्टम कॉन्ट्रो मेलोडी का एक्सपेरिमेंट किया, जिसे आप लोगों ने पसंद किया। मुलाजा फरमाए समझते हैं ये धंधा बड़े आराम का है। अब कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ मैं, अब कहाँ मीर फरमाते हैं, मीर तकी मीर, आगे दिखाए गर्दिशें गर्दू वो देखिए, आसमानी आफत है। आगे दिखाए गर्दिशें गर्दिशें गर्दू वो देखिए, अब तक तो जिस जमीन पे रहे आसमान रहे। मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, मैं हवा हूँ कहाँ वतन मेरा, दश्त मेरा ये जमल मेरा, मैं हवा हूँ
कहाँ वतन मेरा दश्त मेरा ये चमन मेरा मैं हवा हूँ कहाँ वतन बर्ग गुल पर शराब सा क्या है बर्ग गुल पर फूल की पत्ती को आप देखें तो लिप्स का शेप बनता है तो मुशाबत देखी है बर्ग गुल पर बर्ग गुल पर चराग सा क्या है बर्ग गुल पर ये फसल पक चुकी है अब इसका भी क्या कसूर मैंने कहा था जेब में चिंगारियां ना रख बर्ग गुल पर चराग सा क्या है छू गया था उसे दहन मेरा छू गया था उसे दहन मेरा दश्त मेरा काबिले गौर शेर है एक खाना नशीन मैं कह चंद एक खाना नशीन मैं कह चंद एक खाना नशीन खाना नशीन क्यों वसीम बरेली फरमाते चांद खुद को यूं खत्म करके एक मैं ख्वार मुस्कुराता है और पीता है जैसे हिंदुस्तान का फनकार अपने मरने के बाद जीता है एक खाना नशीन
अंजुमन अंजुमन सुखन मेरा अंजुमन अंजुमन सुखन मेरा दश्त मेरा लावादी फरमाते हैं कौन होता है पूरे वक्त की हालत का शरीक कौन होता है पूरे वक्त की हालत का शरीक मरते दम आँख को देखा है कि फिर जाती है मेरी मैयत पे कोई रोया है मेरी मैयत पे कोई रोया है इसलिए जल गया कफन उठे तो एक शेर बोल लीजिए